नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट कार्स चैनल में। एंड आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आता है ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि जो मारुति की अब कार्स है जितनी भी, और मोस्टली अब बहुत सारी कार जितनी भी मार्केट में आ रही है, उन सभी में आपको अब ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों, सवाल ये आता है कि ये ट्रैक्शन कंट्रोल का जो बटन है, इसका मेन यूज क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको किस टाइम पर ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो है वो बंद करना है। भाई ये हमेशा आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये बटन जो है ये आपका डिफॉल्ट हमेशा ही ऑन रहता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बटन है हमें कब बंद करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ आपको इसे क्यों ऑन रखना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आपको किस सिचुएशन में बंद रखना चाहिए। दोस्तों मेक श्योर करें कि आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब दोस्तों अगर हम बात करें ट्रैक्शन की, तो बेसिकली ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन क्या है कि आपकी जो गाड़ी का जो ट्रैक्शन, मतलब जो आपका जो टायर है उसका जो रोड से जो कनेक्शन है वो ट्रैक्शन कहलाता है। मतलब आपकी गाड़ी कितनी रोड से चिपक रही है, ठीक है। और बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल क्या है कि अगर आपका व्हील जो है वो किसी वजह से, जैसे आप बहुत हाई स्पीड टर्न्स ले रहे हैं, तो किसी वजह से आपका जो ट्रैक्शन लूज हो रहा है किसी भी एक टायर का, तो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है कि आपका जो इंजन की पावर है उस पर्टिकुलर व्हील से कट ऑफ कर देता है या ब्रेक सप्लाई कर देता है, जिस वजह से आपका ट्रैक्शन दोबारा से अप्लाई हो जाता है, दोबारा से अचीव हो जाता है। बेसिकली हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल है बेसिकली ये करता है, अगर आपका किसी व्हील का ट्रैक्शन जो है वो अनकंट्रोलेबल हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर सके। तो आपको ये बेसिकली समझ में आएगा कि ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपकी जो टायर जो भी रोड पर चल रहे हैं, जब आप जैसे हाई स्पीड पर चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी जैसे कोई से बम्प्स वगैरह आ जाते हैं या बहुत एकदम से शार्प टर्न आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने बहुत एकदम से गाड़ी मोड़ दी, तो उस केस में कभी कभी ये हो सकता है कि आपकी कोई गाड़ी का जो ट्रैक्शन है वो लूज हो जाए। तो उस केस में जो क्या होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आता है काम में, वो क्या करता है आपकी पावर जो है वो रिड्यूस करता है उस पर्टिकुलर व्हील से, ताकि आप दोबारा से गाड़ी कंट्रोलेबल हो सके। तो इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक गाड़ी जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, एक गाड़ी जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, उसने देखिए एक ने जो है बहुत ईजिली टर्न ले लिया, एक गाड़ी जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं था वो अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में हो चुकी है। तो अगर हम बेसिकली बात करें ट्रैक्शन कंट्रोल की, तो कुल मिला के सिनेरियो होता है। अब अगर आपको बता दूं कि जैसे ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये हमेशा डिफॉल्ट में ऑन रहता है, जब आप एक बार गाड़ी स्टार्ट करोगे तो हमेशा ऑन रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको आप बंद कैसे कर सकते हैं। तो ये आपने अगर थोड़ी देर तक प्रेस करा तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस साइड देख सकते हैं कि वहां लिख कर आने लगा है कि ट्रैक्शन कंट्रोल इज नाउ ऑफ। अब सवाल ये उठता है कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये कंपनी ने ऑफ करने को क्यों दे रखा, जब ये तो बहुत अच्छी चीज हुई ना कि ट्रैक्शन कंट्रोल हमारे को हमेशा कंट्रोल में रखेगी गाड़ी, तो सवाल ये उठता है कि ये बंद करने का क्यों है। अब उस सवाल पे पहुंचने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे हमने बंद करा है वो केवल एक सर्टेन पीरियड तक के लिए ही बंद होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा दूं, अगर मैंने यहाँ पे गाड़ी बंद कर दी, चाबी निकाल दी, आप देख सकते हैं मैंने चाबी हाथ में निकाल दी है, एंड अगर मैंने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, मैं स्टार्ट कर लेता हूं दोबारा से गाड़ी, तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल दोबारा से ऑन हो चुका है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब दोस्तों ये है, एक बार आपने ट्रैक्शन कंट्रोल कर दिया बंद, तो जब तक ही बंद रहेगा तब तक आप गाड़ी को रनिंग पोजीशन में रखो। आपने एक बार गाड़ी बंद करके दोबारा से ऑन करनी चाहिए तो ट्रैक्शन कंट्रोल दोबारा से अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पे चले जाएगा। दोस्तों ये तो सारी बात होगी कि ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे बंद कर सकते हैं, कब तक बंद रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतनी अच्छी चीज को कंपनी ने बंद करने का भी ऑप्शन क्यों दे रखा है, अगर बंद करने का ऑप्शन दिया है तो यानी कि इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। अब दोस्तों अगर लॉजिक की बात करें कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बंद करने को क्यों दिया है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपकी जो व्हील्स है बहुत ज्यादा फंस रहे, जैसे बहुत ज्यादा मडी एरिया वगैरह में हो, अब दोस्तों वहां क्या रूल कहता है कि अगर आप कोई टायर आपके बहुत ज्यादा मडी एरिया में है तो वहां आपको ट्रैक्शन थोड़ा सा वीक चाहिए, ताकि आप थोड़ी सी पावर लगा के अपने व्हील्स को जो आपकी फंसी हुई सिचुएशन है जिसमें टायर फंस गया है वहां से आप निकाल सको। बट अगर आप सोचो अगर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहेगा तो और ज्यादा ग्रिप को स्ट्रांग करेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो दोस्तों इन्हीं सिचुएशंस के लिए आपको कंपनी दोनों ऑप्शन देती है, अगर आपको जहां ट्रैक्शन कंट्रोल की जरूरत है वहां ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखो, एंड अगर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, जैसे बहुत मडी एरिया वगैरह है, तो उस सिचुएशन में आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर सकते हो, ताकि आपका जो ट्रैक्शन है टायर्स का रोड के साथ मडी एरिया के साथ वीक हो जाए, आसानी से ग्लाइडली अपनी गाड़ी
उस सिचुएशन से बाहर निकाल सको। एंड एक बोनस पॉइंट बता दूं कि आप जब भी कोई हाईवेज वगैरह पे चल रहे हो, मेक श्योर करो कि ट्रैक्शन कंट्रोल हमेशा ही ऑन रखो। रीजन बीइंग कि क्या होता है, कभी अनइवन पैचेस वगैरह आते, एकदम से शार्प टर्न वगैरह आ जाते, तो उस सिचुएशन में क्योंकि आपकी गाड़ी हाई स्पीड्स पे होगी तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बहुत मदद करेगा। एंड अगर आपने कोई एकदम से शार्प टर्न लिया या एकदम से आपने कोई पैनिक ब्रेकिंग वगैरह करी है, तो उस केस में ट्रैक्शन कंट्रोल हमेशा से अपनी जो हमारी गाड़ी को है वो एक आइडियल पोजीशन में रखता है ताकि आप उसको इजीली कंट्रोल कर सको। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड। आई होप थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी एंड आपको हेल्पफुल होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन दोस्तों, मी हर्षित साइनिंग ऑफ। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, ऑलवेज ऑलवेज ड्राइव सेफ।